Consultants Private Limited. I am the promoter of this company. Last more than 25 years, we are working on NPA issues. सर जैसे अभी 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 जो बजट आया है उसके अंदर हमने आपका एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें लिखा है कि जो अभी का बजट आया है वो फेल हो गया एनपीए को लेकर, तो सर ये कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा था थोड़ा सा बताइए। और फिर अभी जो एंटायर बजट में अगर आप देखोगे तो देर इज नो प्रोविजन फॉर प्रोप्राइटरी कंसर्न्स एंड द पार्टनरशिप फर्म्स टू गो इनटू आईबीसी रूट। जो भी आईबीसी रूट अवेलेबल है वो खाली कॉरपोरेट सेक्टर का अवेलेबल है। तो एमएसएमई सेक्टर जो मेनली प्रोप्राइटरी है या पार्टनरशिप्स हैं उनके लिए आईबीसी जो एक रेजोल्यूशन का प्लेटफॉर्म है वो इनके लिए अवेलेबल नहीं है। और हम $5 ट्रिलियन की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। टुडे इंडिया इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑन एम्प्लॉयमेंट। हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज 8% टुडे, विच इज हाईएस्ट फॉर एवर। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं हम स्टार्टअप इंडिया, न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, लेकिन ये तो सारे न्यू वेंचर है। जो एग्जिस्टिंग वेंचर है वो रोज बंद पड़ते जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल टेक जेट एयरवेज, 20,000 एम्प्लॉयज वहाँ पे काम करते हैं। जेट एयरवेज बंद करने के बाद बैंकों के कोअर्सिव तरीके से 20,000 लोग रास्ते पे आ गए, वही कंडीशन किंगफिशर की। आप कंपनियां क्यों बंद कर रहे हो? आप वेंचर्स क्यों बंद कर रहे हो? आप वेंचर्स को जिंदा रखो, प्रमोटर्स बदलो ना। और वो आप आईबीसी के जरिए करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन वहां पर भी ये फोकस नहीं है कि इसको कंपनी को जिंदा रखना, फोकस ये है कि रिकवरी, एम्प्लॉयमेंट बचाना ये फोकस नहीं है, फोकस बैंकों की रिकवरी। मैं बोलता हूं अगर सारी बैंक सारी प्रॉपर्टी बेचने के लिए रास्ते पे आ जाएगी तो खरीदी करने वाला है कौन? तो इकोनॉमी में ये बजट और द एंटायर फाइनेंस सिस्टम इज लैकिंग द विजन हाउ टू सॉल्व द एग्जिस्टिंग एनपीए प्रॉब्लम्स। सर इसके अलावा और एक चीज जानना चाहूंगा, जो भी बैंक से फंड लेते हैं नई नई कंपनीज, तो कई सारी कंपनीज बहुत मतलब मुझे लगता है कि 60% कंपनीज फ्रॉड होती है उसमें से, मतलब एम्प्लॉयज को हायर करती है देन खुद को दिखाती है कि हम बैंकक्रप्ट हो गए, तो मतलब गवर्नमेंट को भी उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो उस बारे में सोचना चाहिए था आपको लगता है? ऐसे लोगों को जो फ्रॉड प्रमोटर्स है उनके ऊपर आप जरूर एक्शन लीजिए, उनको इंडिविजुअली सेपरेट कीजिए। लेकिन उन्होंने जो वेंचर खड़ा किया है, जो प्रोडक्शन सेटअप उन्होंने खड़ा किया है, उसको आप स्क्रैप में क्यों कन्वर्ट करते हो? वही प्रोडक्शन सेटअप अगर आज नया बनाना है तो उन्होंने जितने में खड़ा किया उससे ज़्यादा पैसा लगता है। उसके सिवा वही प्रोडक्शन सेटअप खड़ा करने के लिए आपको जेस्टेशन टाइम है, ये जेस्टेशन टाइम में देश की प्रोडक्टिविटी घट जाती है, जीडीपी पे असर होता है। तो ये कौन सा न्याय है? इकोनॉमी की दृष्टि से ये गलत है। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं लॉस है इस तरह का बजट जो उन्होंने मतलब अनाउंस किया है? हालांकि जो पार्टनरशिप फर्म्स की आप बात कर रहे हैं उनको तो लॉस है ही, लेकिन गवर्नमेंट को भी लॉस है क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं जिसकी वजह से इंडिया इकोनॉमी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। खाली बिजनेस बंद पड़ रहे तो बात की बात है, लेकिन जो लोग आज बिजनेस कर रहे हैं, जो इंडिया में बिजनेस की जो मेंटेलिटी थी उस मेंटेलिटी को हम लोगों ने धक्का पहुँचाया है। जैसे कि बेटा बाप को देखता है कि वो बैंकों के चक्कर में इतना फंस गया है, आत्महत्या करने तक खड़ा हो गया, तो बेटा बिजनेस में आने के लिए तैयार नहीं है। तो देश की अगली जनरेशन बोलती है कि हमें नौकरी करनी है। एक तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी है कि 90% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज ए जॉब सीकर। हम जो पैदा करते हैं हमारे एजुकेशन से जो प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है वो सब मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ढूंढता है। तो जो 5% 10% लोग जो धंधा करना चाहते हैं, जो जॉब क्रिएटर्स हैं, उनकी फीलिंग्स को ही आप मार रहे, उसको कौन जिंदा करेगा? खाली फाइनेंस देने से काम नहीं होता है। जब एक छोटा पेड़ जब एक पौधा जब छोटा होता है तो उसको इनिशियली प्रोटेक्शन की जरूरत है, तभी उसका वृक्ष बन जाएगा।
वो इनिशियल स्टेज पे ही उसको हमने काट दिया तो उसका वृक्ष कब बनेगा? तो सर गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए इसको लेके, और गवर्नमेंट को अपनी तरफ से जो नए बिजनेसमैन आ रहे हैं उनको एनकरेज करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? गवर्नमेंट को एक तो उनको एक मोरेटोरियम पीरियड देना चाहिए कि इनिशियल पीरियड में अगर आपको कुछ तकलीफ होती है तो उनको जैसे बॉम्बे रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट जैसा एक्ट है विच इज एक्चुअली नॉट ऑपरेटिव एक्ट, दिस काइंड ऑफ एक्ट शुड बी ब्रॉट इन टू ऑपरेशन, उनको कुछ ना कुछ एक तरीके का प्रोटेक्शन देना चाहिए। इसके बावजूद जिन लोगों ने अगर 5 साल 10 साल धंधा किया है, बैंक को अपना किस्ता रेगुलर दिया है, अगर इनको कुछ तकलीफ होती है तो इनको भी मोराटोरियम पीरियड और जस्टेशन पीरियड देने की ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हर एक धंधा सालों साल अच्छी तरीके से चलेगा, कभी ना कभी उसको प्रॉब्लम आ सकता है। जब उसको प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम में उसको साथ देना चाहिए, ना कि उसको मारना है। हम सिक आदमी जब सिक होता है तो हम उसको दवा दारू देकर उसको ठीक करते, इंडस्ट्री सिक होता है तो या इंडस्ट्री को मार ही देने का, ये कौन सा तरीका है? सर मेरा नेक्स्ट सवाल यही होने वाला है कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं स्टार्टिंग में इतना प्रॉफिट नहीं क्रिएट कर पाते तो लोन की वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, तो वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए क्या होना चाहिए सर? उसमें भी एक तरीका ऐसा हो सकता है कि जो इनिशियल बिजनेसेस है जैसे आप उनको लोन फंडिंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हैवी, उसके वजह से उनका बीओपी ब्रेक इवन पॉइंट जो है बीईपी वो काफ़ी ऊपर चला जाता है। तो उसमें से दो तरीके हैं कि एक तो उनको इंटरेस्ट में कंसेशन दे दो, नहीं तो सम पोर्शन ऑफ देयर फंडिंग शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, और वो जब वो बिजनेस अच्छा चलेगा 2 साल 4 साल 5 साल के बाद तब वो इक्विटी का आपको बेनिफिट मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स, इन लोगों को भी रेजोल्यूशन का आपको ये देना पड़ेगा। उनको भी वो रास्ता खुला रखना चाहिए। इसके अलावा जो जैसे आपने मेंशन किया कि जेट एयरवेज कंपनी बंद होने के बाद बहुत सारे एम्प्लॉयज भी, जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया, बहुत सारे लोग रोड पे आ गए, तो सर उस चीज को लेके मतलब क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि ऐसे तो मतलब हर रोज एक कंपनी बंद होती है और मतलब ओनर को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो सर उसको वही तो लेके मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को, जैसे आज बैंक हेयर कट लेके उनको वापस रिवाइवल प्रपोजल में लाती है, जैसे हम आईबीसी में देखते हैं कि हेयर कट लेते हैं, मेरा कहना है कि ये हेयर कट के बजाय आप 20% ऑफ दैट अमाउंट जो आप प्रोविजन करते हैं हेयर कट का, उसका 20% ऑफ दैट अमाउंट यू सेव एज ए रिहैबिलिटेशन फंड, और ये रिहैबिलिटेशन फंड ऐसे सिख यूनिट को यूज करने के लिए दीजिए, वो भी किसी प्रमोटर के हाथ में मत दीजिए। इट शुड बी गिवन थ्रू एनसीएलटी कोर्ट, थ्रू कोर्ट इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, तो इट विल बी यूज जुडिशियसली एंड इट विल बी सीन दैट कि इन लोगों को वापस खड़ा कर सकते हैं। सर जो दूसरे बिजनेसमैन है, जैसे अगर विजय माल्या की बात करें, नीरव मोदी की बात करें, उन्होंने जो फ्रॉड किया है, ऐसे लोगों के लिए अगर इन फ्यूचर ऐसा ना हो उसके लिए सर क्या उपाय होने चाहिए अकॉर्डिंग टू? उनके ऊपर कड़क क्रिमिनल एक्शन होनी चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट क्रिमिनल एक्शन होनी चाहिए। और सर हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी, उनके लिए कुछ मैसेज होगा सर आपकी मेरा तरफ से? उनके लिए यही मैसेज है कि आप एनपीए के लिए कुछ विजन तैयार करो, एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करो और एनपीए रिवाइवल को ध्यान दे दो। एनपीए रिकवरी थ्रू रिवाइवल यू शुड गो थ्रू रिकवरी, फॉर कोर्सिव मेजर्स आप रिकवरी मत करो, आप उनको खड़े करो, उनमें वो ताकत दे दो कि वो जो बोरो किया है वो तो रिपे करेंगे ही, लेकिन अगले 10 साल बैंकों को सर्विस करेंगे।